हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं राधिका ढोंडियाल फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस ढोंडियाल में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो आज का ब्लॉग मैं शाम की 4:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट चाय वगैरह पी है हम लोगों ने, तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड, अभी तो हम जा रहे हैं सब्जी के लिए, क्योंकि सब्जी वगैरह नहीं है। तो आज भी तू आ रही है सब्जी के लिए? हाँ, तो इसको ना डॉक्टर के पास भी दिखाना, पता नहीं क्या हो रहा है इस पर, दाने से एलर्जी से पता नहीं क्या हो रही है। पाउडर वगैरह लगाया लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो हमने बोला चलो डॉक्टर के पास ही चलते हैं, क्योंकि भाई अपनी मर्ज़ी का भी नहीं करना चाहिए, कुछ पता नहीं होता। तो डॉक्टर को भी दिखा लाएंगे और सब्जी भी ले आएंगे। तो अभी सपना रेडी हो रही है, बहुत टाइम लगाती है रेडी होने में। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं आप सब्जी के लिए। मैंने और मेरी देवरानी ने सेम ब्लू ब्लू टी शर्ट पहन ली है, यही अलग है। तो चलो, तुम सब सही अनोखी अनोखी हूँ। हाँ हाँ, यही तो अनोखी ही है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं हम क्लिनिक पे, तो वेट कर रहे हैं नंबर आएगा। छोटा सा क्लिनिक ही है, तो यहाँ पे डॉक्टर मधु को दवाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं बाज़ार में, तो चलो लेते हैं सब्जी वगैरह। तो देखते हैं आज क्या लेते हैं, इनको दे दो। तो फ्रेंड, यहाँ पे टमाटर ले लिए मैंने। तो यहाँ तो अभी 40 रुपये किलो है टमाटर। आपके यहाँ कैसे चल रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड देखो, सपना को यहाँ पे चूड़ी लेनी है, तो उसके लिए हम चूड़ी ले रहे हैं। कांच की चूड़ी है और बहुत भीड़ हो रखी है, तो चलो देखते हैं। तो हमने ये पिंक वाली सिलेक्ट करी है, क्योंकि हमें सबसे अच्छी चूड़ी यही लगी, सपना को यही पसंद आई। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चूड़ियाँ हैं फ्रेंड। यहाँ पे दोनों के दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं। खा इसको सारा मारिए। तो फ्रेंड, मिस्टर जी भी अब जाने वाले हैं, फिर भी 2-4 दिन के बाद चले जाएंगे, फिर से मैं अकेली हो जाऊंगी। तो आप मुझे मिस करोगे बहुत ज़्यादा। दोनों की लड़ाई हो रही है, जो कि हमेशा करते रहते हैं। गर्ल्स इनकी ऐसी लड़ाई होती है। तो फ्रेंड, आज हम बाज़ार से वो लाए थे, मक्का लाए थे, मतलब मुंगरी, हमारे उसमें मुंगरी बोलते हैं, हिंदी में मक्का बोलते हैं। तो चलो, 2 सीटी आ गई उनमें, तो निकालते हैं। यहाँ की जो मक्का है ना, बहुत मीठी होती है, अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखो मम्मी को, मम्मी दुकान में गई थी, क्या लाए आप दुकान से? ओ माई गॉड, मक्खन, बिना मक्खन के नहीं खाएंगी। चलो हेलो बोल दो जरा। हेलो। तो देखो मुंगरी पे लग गए हैं सब बांदर। भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ। मम्मी कैसी हो रही है मुंगरी? अच्छी हो रही है। पापा आप बताओ कैसे हो रही है मुंगरी? ठीक हो रही है बहुत। आप खा पा रहे हो ना दांतों से? खा रहे हैं। क्योंकि दांत लगा रखे हैं मैंने। वही तो। नहीं, कसम से बहुत मीठी हो रही है मुंगरी, गांव से भी अच्छी हो रही है, मतलब सबसे बुढ़ा आदमी सबसे छोटी पसंद। सबसे बड़े है ना, तो देखो सबने पहले अपने लिए बड़ी बड़ी चुन ली, मम्मी के पास भी छोटी है। तो देखो खाना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम जो हमारे घर में जेंट्स लोग रहते हैं, हम उनको खिलाते हैं, ये हमारा रिवाज है। तो अभी पापा बैठे हैं, मिस्टर जी बैठे हैं, देखो देवर बैठा है। तो पहले ये तीनों खाते हैं, फिर हम, मैं, मेरी मम्मी, मेरी देवरानी, मेरी ननद, हम चारों बाद में खाते हैं। ये रात को हमारा ऐसे होता है, बाकी नाश्ता भी हम मतलब एक साथ करते हैं और दिन का लंच भी हम एक साथ करते हैं, लेकिन बस रात को ही होता है, क्योंकि गरम गरम रोटी खानी होती है। तो पापा भी खा नहीं सकते, तो उनको भी गरम ही रोटी देते हैं। तो मिस्टर जी भी बैठे हैं, देवर भी बैठे हैं, फिर अब हम बैठेंगे इनके बाद, है ना मम्मी?
हाँ, यहाँ पे मम्मी देती है खाना हमको, वैसा ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी बोलती है तुम भी दे लो, तो कभी हम भी देते, ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी ही देगी, मतलब है ना। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।